अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है टॉप मेडिकल फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। टेक्नोलॉजी की जिद्दत और एडवांसमेंट के साथ मेडिकल साइंस की फील्ड में भी नई नई फील्ड्स आती जा रही हैं, जिसकी वजह से आज के स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि पहले स्टूडेंट्स के पास नहीं थे। आज की वीडियो में हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि किस फील्ड में आप बेहतर हैं और कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतरीन है या आपके लिए सूटेबल है। हम चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। एक्ट नंबर 18, BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये इंडिविजुअल असिस्ट करता है सर्जन्स को ड्यूरिंग ऑपरेशन मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट से। अगर आपका इंटरेस्ट सर्जन्स को असिस्ट करना है या सर्जरी की तरफ है, यू कैन परसू दिस कैरियर। एक्ट नंबर 17, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर का केमिकल प्रोसेस समझते हैं और ये लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम करते हैं या लेक्चररशिप में काम करते हैं। 16, BSMLT। बेसिकली इन लोगों का काम किसी भी डिजीज़ को लैब में टेस्ट करना है, उसके बाद उसको डायग्नोस करना है और उसकी ट्रीटमेंट निकालनी है। आजकल के दौर में COVID-19 के आने के बाद इस डिग्री का स्कोप बढ़ेगा। नंबर 15, डॉक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। इन लोगों की डिमांड प्राइवेट सेक्टर में तो है, लेकिन पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। 14, BS ऑप्टोमेट्री। इसका स्कोप कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि आईसाइट का प्रॉब्लम लोगों को हमेशा से है और आगे आता रहेगा। जैसे जैसे हम स्क्रीन के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को ये प्रॉब्लम आता रहेगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ अगर आप चलेंगे, इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 13, BS नर्सिंग। ये एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिमांड वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और एक डॉक्टर के साथ ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है और हर हॉस्पिटल को बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। 12, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एलोपैथिक मेडिसिन से जो लोग एलर्जिक होते हैं या वो उसे पसंद नहीं करते, होम्योपैथिक मेडिसिन कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ लोगों को क्योर करता है। 11, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बेसिकली ये इनडेप्थ स्टडी है DNA की और डोनर ऑर्गेनिजम्स की और कैसे नए DNAs क्रिएट करने हैं। 10, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली ये डिग्री डील करती है कॉम्प्लेक्स डेटास के साथ जो जेनेटिक कोड्स को एनालाइज करते हैं। इसमें IT का फैक्टर है। अगर आपका इंटरेस्ट IT के साथ है और मेडिकल तो ऑब्वियसली होगा, तो ये फील्ड दोनों फील्ड्स को साथ लेके चलती है। 9, BS बायोटेक्नोलॉजी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और उसके अलावा बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स अपने अंदर इनकम पास कराती हैं। 8, BS क्लिनिकल साइकोलॉजी। आजकल के दौर में मेंटल हेल्थ का इशू बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना पार्ट प्ले करते हैं, जो कि नॉर्मली लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के या क्रोनिक स्ट्रेस के इशूज़ रिजॉल्व करते हैं। 7, BS MIT। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का रुझान आजकल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को और सर्जन्स को ऐसे इमेजेस चाहिए होते हैं जिससे वो क्लियर सिचुएशन मालूम कर सकें पेशेंट की, जिसमें सिटी स्कैन, MRI, PET, अल्ट्रासाउंड और फ्यूजन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। 6, DMLS डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज। ये इंडिविजुअल लैब्स को रन करते हैं, उनमें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये लोग ना सिर्फ लैब्स में काम कर सकते हैं बट अपनी लेबॉर्ट्री भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 5, DPT डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ये लोग थेरेपी के ज़रिए लोगों के पेन्स, मसल पेन्स को रिलीफ करते हैं और हमारे मुल्क में ओवर एज लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसला है, इसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। 4, DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। ये फील्ड बड़े शहरों में ज़्यादा डिमांड में है, वजह लोगों के पास पेट्स ज़्यादा हैं और इसकी वजह से इसकी डिमांड बड़े शहरों में ज़्यादा, छोटे शहरों में इतनी डिमांड नहीं है। नंबर 3, Pharma D और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। बेसिकली ये लोग फार्मेसी साइड पर होते हैं और डिजीज़ को और उसकी मेडिसिन को ये MBBS से ज़्यादा समझते हैं। MBBS ह्यूमन एनाटॉमी को ज़्यादा समझता है। अगर आप फार्मेसी की तरफ इंटरेस्ट है और आप मेडिसिन में काम करना चाहते हैं,
दिस इज अ गुड। नंबर टू, BDS बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। डेंटल इलाज दुनिया भर में बहुत महंगा माना जाता है, एक एक्सपेंसिव इलाज है, और ये लोग ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं बल्कि अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में भी काम करते हैं। आजकल के दौर में ऑर्थोडेंटिक और डेंटल कॉस्मेटिक्स की वजह से इसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। इट्स अ गुड फील्ड, इन डिमांड फील्ड। एक्ट नंबर वन, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर बनने के लिए ये डिग्री नंबर वन डिग्री है। इस फील्ड से बहुत सारी फील्ड्स निकलती हैं जिसमें जनरल फिजिशियन, सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, एनिस्थोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत सारी फील्ड्स इसी फील्ड से निकलती हैं। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट डिग्रीज टू बिकम अ डॉक्टर, और हर मेडिकल स्टूडेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो एक MBBS बने, मोस्ट ऑफ देम। लास्ट में एक ज़रूरी बात, आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि किस डिग्री का स्कोप है और किसकी डिमांड, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन है, वीडियो के आखिर में एक वीडियो है विच डिग्री हैज़ मोर स्कोप इन पाकिस्तान, उसको ज़रूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और स्कोप उस आदमी का होता है जो अपनी फील्ड का मास्टर होता है, अपनी फील्ड में बेस्ट होता है। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये मसला भी हो सकता है कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें एडमिशन लें और उसमें इतने बेहतर बने कि आपको कोई हरा ना सके। विद टुडेज वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अता शाह साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।